हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में, टेक्निकल टाइगर हूँ दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। दोस्तों आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ तो करते होंगे और आप लोगों के पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते होंगे आपकी पोस्ट पर। अब उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको गंदे कमेंट्स करते हैं, तो आप उन कमेंट्स को हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हो। हाँ दोस्तों, आपको यूज़र को ब्लॉक नहीं करना, सिर्फ आप उन कमेंट्स को ब्लॉक करना चाहते हो। उसके बाद जो यूज़र आपको कमेंट कर रहा है वो आपके पास कभी भी कमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ दोस्तों, आपकी किसी भी पोस्ट पर वो कमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको कैसे करना है आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लेना है। अगर आपने अपडेट नहीं करा है तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर इसको अपडेट कर लो, क्योंकि इसका एक न्यू अपडेट आ गया है। शायद मैंने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपडेट नहीं करा है, तो मैं यहाँ से जाकर इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ। और दोस्तों ये देखो, यहाँ पर लिखा रहा है अपडेट, तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये अपडेट हो रहा है इतने। और दोस्तों मेरे फ़ोन के अंदर ये अपडेट हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अपडेट नहीं करा तो आप इसको जल्दी से जाकर अपडेट कर लो, क्योंकि आप तभी इस ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे अपने इंस्टाग्राम के अंदर। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है क्योंकि नया अपडेट हुआ है, इसलिए थोड़ा वेट ले रहा है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इसका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हाँ दोस्तों, आपको यूज़र नेम के बगल में दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है प्लस का, और दूसरा आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन फिर दोबारा ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा रहा है फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स, अकाउंट हेल्प, अबाउट देम। तो आपको यहाँ पर जाना है प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप नीचे यहाँ पर स्वीप अप करोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, म्यूट अकाउंट्स, अकाउंट्स योर फॉलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है कमेंट्स को ब्लॉक करना है। हाँ दोस्तों, आपको यूज़र को ब्लॉक नहीं करना, आपको कमेंट्स को ब्लॉक करना है। जैसे कि अदरवाइज़ किसी ने आपको कमेंट करा है तो आप उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते, सिर्फ आप उसके कमेंट्स को ब्लॉक करना चाहते हो हमेशा के लिए, ताकि वो कभी भी आपके पोस्ट पर कमेंट्स कर ही ना पाए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कमेंट्स का, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखाएगा ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम, तो आप इस पर जाओगे, इस पर टैप कर दोगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है ब्लॉक्ड कमेंटर्स, तो आपको यहाँ पर जिसने कमेंट करा है उसका यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है। तो यहाँ पे अपनी दूसरी आईडी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मिस्टर अनुज 98776, सॉरी किंग। और दोस्तों ये देखो, यहाँ पे मेरी दूसरी आईडी जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा रहा है मिस्टर किंग 98776, मिस्टर अनुज 98776। अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लॉक का, तो आप इसे ब्लॉक कर दोगे। ब्लॉक करने का दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पर मतलब अपनी पोस्ट पर कमेंट्स करूँगा इस आईडी से, तो दोस्तों मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कमेंट्स का ऑप्शन ही नहीं आएगा मेरे पास। तो इस तरीके से आपको अगर कोई परेशान करता है कमेंट्स करके, या आपके कमेंट्स के अंदर कुछ गलत सलत लिखता है, तो आप इस तरीके से उसको ब्लॉक कर सकते हो। उसको ये नहीं लगेगा कि आपने उसको ब्लॉक करा है, उसके कमेंट्स को आपने ब्लॉक करा है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।